अरे कल यही पर कयामत के देखिए हमके कल यही
आदर हुसैन की दुआ ही है हमारे साथ जो हमें बचाए हुए, वरना करबला के मसायब सुनकर कोई जिंदा रहे। आइए सर, मैं तो दर इतार हूँ तो स्थान जनाब सैयद शरीफ हसन साहब को हम गुरु की तकलीफ लाए, इनके बाद मस्जिद का आगाज होगा। आवाज दी, ये शहर बहन इस तरफ ना आओ,
बस अब सफर करीब है, घर में जाओ। अरे अब डूबती है हाल रसूल खुदा की नाव, या मुर्तजा गरीबों के पेड़ों को तुम बचाओ। अरे अब छोड़ना ना दस्ते बला में हुसैन को, अरे या फातिमा छुपा लो रिदा में हुसैन को, या फातिमा छुपा लो रिदा में हुसैन को। बिन्ते अली को पीटती फिरती थी नंगे सर, अरे कटता था नूरे चश्म अली का गला उधर। ज़ैनब को मना करते थे हर चंद अहले शहर, लेकिन वो दौड़ी जाती थी भाई की लाश पर। अरे पहुंची जो कत्लगाह में इस रोक टोक पर, अरे देखा सरे हुसैन को नैज़े की नोक पर। नैज़े के नीचे जाके पुकारी वो सोगवार, भैया भैया तेरी लहू भरी सूरत के मैंने सार, है गले पे चल गई भैया छुरी की धार। अरे भूले बहन को ऐ असदे हक की यादगार, अरे सदके गई लुटा गए घर वादागाह में। अरे जुम्बिश लहू को है अभी आगे राह में, ये तो अगले बरस हम है और ये गम की है, और जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। मैं गुजारिश गुजार हूँ बड़े एहतराम फतीह अरबैन आली जनाब मौलाना सैयद तजमीर अब्बास साहब नदवी को तशरीफ लाए और आपकी सभी को खिताब फरमाए। आप हजरात बाबा से बुलंद नारे सलवात को Hold on, sir.
सबसे पहले मैं
कोई गम न दे सवार मैंने हुसैन के क्या खूब रो रहे हैं क्या खूब रो रहे हैं हमारा तरफ के रोना तरफ के रोना अदादारो मैं आपकी तकलीफों को समझ रहा हूँ आप तारीफ में भीग रहे हैं तकलीफों को समझ रहा हूँ मगर आप अपनी तकलीफों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए अगर ईसा हो रही है तो आइए हमारे साथ चलिए तसव्वुर में चलते हैं वहाँ चलते हैं जहाँ पत्थरों की बारिश है तीरों की बारिश है तमाचे मारे जा रहे हैं रोने ले दिया जा रहा है सुनना आदा दारो तारीख कहती है काफिला कैद खाने में है सुनना आदा दारो कैद खाने में काफिला पहुंचा असीरों का काफिला तारीख कहती है आप सब रोने ही के लिए जमा हो गए हैं ना तो मैं मसाज सुना रहा हूँ आपको तड़प के रोना आदा दारो और सुनना अभी आप जाएंगे ना पर सुकून से आपको बिस्तर मिल जाएगा सो जाएंगे बहुत सुकून से बिस्तर मिल जाएगा सो जाएंगे आप पर कभी सोचा है जन्नत के साथ शाम की बच्चियां छोटी छोटी रोजाना कैद खाने के दरवाजे के बाहर की तरफ शाम की छोटी छोटी बच्चियां दरवाजे में एक जाली थी जिससे बाहर देखा जा सकता बच्ची छोटी छोटी बाहर के कैद खाने अंदर 4 बरस की बच्ची वो शाम की छोटी छोटी बच्चियां आके वही रोजाना अपने वक्त के घटा हो जाती थी और सबीना से आके सवाल करती थी दीदी आपका कोई जवाब भाई नहीं आपका कोई भाई नहीं है तरफ के सबीना कहती है 18 बरस का भाई था दूसरे दिन फिर बच्ची आए आने के बाद कहती है दीदी आपका कोई छोटा भाई नहीं है सकीना तरह के कहती है मेरा 6 महीने का भैया था मोहब्बत नहीं करता बिना तरफ के कहती ये क्यों कह रही हो बच्चिया कहती मेरी तरफ देखो हमारे बाबा कितना चाहते हैं बच्चा देखो का देखो मेरे बाबा ने मेरे सर पे चादर डाली ये बालिया देख रहे हो बेटी मेरे बाबा ने तुम्हारी समझ के पड़ रहा हूँ जिंदगी की आखिरी मंजिल
और अगर मेरे लिए कोई दुआ आप लोगों के लिए आपके दिल से निकले तो यही दुआ करना, मैं साहब पढ़ता पढ़ता मर जाऊं, यही दुआ मेरे लिए करना, मुझे और कोई दुआ नहीं चाहिए, बस यही दुआ करना, मैं साहब पढ़ता पढ़ता मर जाऊं। सुनना जरा, सुनना। हाँ, एक दिन बच्ची भाई के पास आ गई, सैयद सज्जाद के पास, भैया मैं कर्बला से शाम तक आ गई, आपसे कुछ नहीं कहा। हाँ बहन, भैया आज बहन आपके पास एक सवाल और एक वसीयत लेके आई। बहन बताओ, आवाज दी भैया, सैयद सज्जाद से कहती है सकीना, भैया क्या प्यास के कुछ मरहले होते हैं? इंसान को जो प्यास लगती है उसके कुछ मरहले होते हैं? हाँ बहन, भैया बयान करो। आवाज दी, ए बहन, जब इंसान को प्यास लगना शुरू होती है तो सबसे पहले होंठ सूख जाते हैं। चाहे भैया, क्या जब प्यास और आगे बढ़ती है तो गला सूख जाता है? चाहे भैया, क्या जब प्यास और आगे बढ़ती है तो जबान खुश्क हो जाती है, लड़खड़ाने लगती है? चाहे भैया, क्या जब प्यास और आगे बढ़ती है तो इंसान का दिल मुरझाने लगता है? चाहे भैया, क्या जब प्यास आखिरी मरहले पे होती है जिसके बाद इंसान का बचना मुहाल हो जाता है, इंसान मरने के करीब होता है तो हड्डियां चटकने की आवाज आती है? सकीना तड़प के कहती है, भैया अब सकीना का यही आलम है। Stop it up, y'all.
यहाँ से चला, काफिला यहाँ से चला, तारीख के लिए काफिला आ गया दोबारा करबला में, काफिला दोबारा करबला में आ गया, दोबारा करबला में आया। कौन सा दिन था? आज ही का दिन, आज ही के दिन काफिला करबला पहुंच गया, दोबारा दोबारा पहुंच गया है, काफिला करबला पहुंचा है। और सुना है आप, मैंने मुगल मस्जिद में भी अर्ज किया था, अर्ज किया था कि जैसे रसूल का दस्तूर था कि जब फातिमा आती थी तो वो फौरन तादीम करते थे, रसूल खड़े हो जाते थे, वैसे ही मौला हुसैन का दस्तूर था कि जब बहन ज़ैनब को देखते थे तो फौरन इधर बात करते थे। आज जब ज़ैनब आई है तो आज के कबरे हुसैन का यही बंदा कहती है, भैया क्या बीबियां रो रही, मातम कर रही हैं, बीबियां क्रिया कर रही हैं, एक एक के सब्र पजा के बीबियों ने मातम किए, मातम किए। अब सुन आजादारों, मैं आ गया मंजिल पर, आज ही का रोज है, बीबियां एक एक की कब्र पर मातम कर रही हैं, क्रिया कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं, एक एक को याद आ रहा है, ये वो जगह है जहाँ 18 बरस का जवान लड़िया लग रहा था, ये वो जगह है जहाँ पास के बाजू काटे गए, ये वो जगह है जहाँ आला मोहम्मद की गर्दनें कटी, ये वो जगह है जहाँ ये अकबर के तीर लगा, हाँ लीजिए वो जगह भी आई खयामदा। अब जब वहाँ पहुंची तो मंजर पूरा सामने आ गया, तो ये वो कैमा है यहाँ पे लगा था कि जहाँ पे हुसैन आके कहते थे, बहन आके कहते हैं बहन ज़ैनब तुम पाकरी सलाम, तैनुम में कुसुम तुम बाखरी सब संभाल अपने को, तैनुम में कुसुम तुम बाखरी सलाम, लैला रुकैया तुम बाखरी सलाम, एक एक तो हुसैन ज़ैनब को सब याद आ रहा है आज के रोज। एक मरतबा आवाज दी यहाँ से, मेरा भाई खेमे के बाहर निकल रहा था, सुनना आजादारो, वो आशूर का दिन था कि ज़ैनब को आज याद आ रहा है, अरबईन के दिन, तारीख कहती है अब हुसैन खेमे से निकले, सैयद सज्जाद के खेमे में आए, आवाज दी ए मेरे बेटा जब कैद से छूट के जाना तो मेरा शियो को मेरा सलाम कह देना, और कह देना जब ठंडा पानी पिए तो मुझवरी अपनी प्यास को याद कर ले। सुनना आजादारो, बस एक मरतबा हुसैन आए रहवान के करीब आए, अब हुसैन कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, ज़ैनब समझ गई हुसैन क्या चाहते हैं, आगे बढ़ी, आवाज दी है भैया अब वो अली अकबर न रहे, अब वो अब्बास न रहे जो आपको सवार करते थे, ये ज़ैनब सवार करेगी, कल 11 मुहर्रम पर ज़ैनब का खुदा मुहाफिज है। ये कहके एक मरतबा बाजू पकड़ा, हुसैन पर दो लोग सवार करते थे, एक जनाबे अली अकबर एक मौला अब्बास, जनाबे अली अकबर हुसैन का बाजू पकड़ते थे और मौला अब्बास रकाबों को पकड़ते थे, जिसमें पैर रखे जाते हैं उन रकाबों को मौला अब्बास पकड़ते थे, बाजू को अली अकबर थामते थे। अब सुनिएगा, वो काम तो ज़ैनब ने किया जो अली अकबर करते थे, हुसैन के बाजू को ज़ैनब ने पकड़ लिया, अब रकाबों को कौन थामे? लिखा हुआ है कि एक मरतबा एक बीवी आगे बढ़ी, एक बीवी आगे बढ़ी, उसने रकाबों को पकड़ लिया, हुसैन आवाज देते हैं, बीवी तू कौन है, तेरी आंखों का नूर अली अकबर ले गए हैं, पता सही तू कौन है, आवाज दिया कर पहचाना, अरे मैं अब्बास की देवा। हुसैन चाहते रहवार को आगे बढ़ा, लेकिन रहवार आगे ना बढ़ा, इशारा किया, अब जो दूर के देखा तो 4 बरस की लकीरा घोड़े के सूमो से बिकी हुई बहन कर रही है, अपने भरोसा मेरे बाबा को न ले जा, अच्छे भरोसा मेरे बाबा, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ, बस 1 से 1.5 मिनट और 2 मिनट के अंदर बात तमाम हो जाएगी, सुनना आजादारो, लेकिन मंजिल तक आने दीजिएगा, जब तक खत्म ना हो उठिएगा नहीं अपनी जगह से। एक मरतबा जैसे ही देखा हुसैन आए, हुसैन जमीन पर उतरे, एक मरतबा सीने से लगाया, जाओ बेटी खैमे में चली जाओ, खैमे में चली जाओ, सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। एक मरतबा हुसैन दोबारा सवार हुए, चहीती बेटी है ना, चहीती बेटी है ना, जैसे हुसैन ने एक कदम रहवार को दोबारा सवार होकर बढ़ाया,
सकीना दौड़ के रखवार के आगे आ गई, सकीना दौड़ के रखवार के, सहिती बेटी है ना, दौड़ के रखवार के आगे आ गई। अब हुसैन रखवार होगा, सकीना बाबा के चेहरे को देख रही है, बाबा के चेहरे को देख रही है, देखते देखते आवाज देती है, बाबा बाबा नींद आएगी जब आपके मैं आपको मतलब में चली आऊंगी बाबा, बंदा निकलती नहीं सदानी बाहर, सीने पर सुनाएंगे तुम्हें रात को मदर, वो कहती है सुनाएंगे कहाँ तेरा ये सुनार, फरमाया के बस इतना करो सब के मैं तुम पर सब होएगी और दस सुनाम होएंगे दीदी, अथवा मेरे साथ आज वही सुनाएंगे दीदी, लीजिए हुसैन मैदान में आ गए और हम लोग कर रहे हैं, एक मरतबा लड़ते लड़ते मुराद के किनारे आए, आवाज दी अब्बास क्या भाई की गंगा देखोगे, मकाम अली अकबर बाबा से आवाज दी अकबर क्या बाबा की गंगा देखोगे, एक एक को आवाज देते हैं, हिदायत अली अकबर ये तुम्हारी तरफ से हमला, और मोहम्मद ये तुम्हारी तरफ से हमला, अब्बास ये तुम्हारी तरफ से हमला, हुसैन हम लोग पर हमले कर रहे हैं, सुन आजादारो बैठे रहना आजादारो, हुसैन हम लोग पर हमले कर रहे हैं, एक मरतबा तारीख कहती है निदाए गए भाई हुसैन सब्र के जो हर दिखाओ, शजाअत के जो हर दिखा चुके, चलती हुई तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजे सिंह की, हुसैन का सर झुका हुआ है, अब तो हुसैन ने सर उठाया, गिलाव देके फौजे कहां तक आई, कैसे ही सर उठाया, एक जालिम ने पत्थर उठाया, सकीना के जख्मी कानों का वास्ता उठना नहीं जब तक मस्जिद तमाम ना हो, तब दो तीन जुमले और मस्जिद का हो रही है, हाँ अल्लाह अकबर, हुसैन की पेशानी का पत्था बसे मरतबा, रवायत कहती है कि एक जालिम आगे बढ़ा, उसने तीर चिल्लाए का मार छोड़ा, अब जो तीर चलाया हुसैन के सीने में तीर के बस हुआ, हुसैन के सीने में तीर बेबस हुआ, हुसैन के सीने में, अब रवायत कहती है हुसैन अल्लाह अकबर राज क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं मजाक सुना सकता हूँ जो लिखा हुआ है, तीर जब लगा तो रवायत कहती है मैंने उस्ताद मोहतरम से सुना कि तीर हुसैन के जब लगा तो हुसैन तीर जानते हैं ना कैसा होता है बना हुआ, वो मुझे नहीं अर्ज करना, अब सुनना आजादा, तीर जब लग चुका आप जानते हैं कैसा बना होता है तीर, जब लगा तो हुसैन ने पहले कहा था तीर सामने से निकल आए, लेकिन जब तीर सामने से नहीं निकला तो हुसैन हुसैन ने दोनों हाथों को जू किया, हड्डियां होके पसलिया, सुनेंगे चूल्हा कारी के